जय मसीह की प्रिय बहनों और भाइयों, और जो कोई भी मुझे देख रहा है और सुन रहा है, मैं खुदाबंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने आके बाइबल की कुछ बातों को लेके उन पे चर्चा कर सकूं। तो आज मैं आपके सामने ये बोलना चाहती हूँ कि जेनेसिस जो है ना, फर्स्ट किताब जो है बाइबल की, जिसे हम पैदाइशी की किताब कहते हैं, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में इस तरह लिखा है कि शुरुआत में या आदि में खुदावन ने आकाश और धरती की रचना की। और बाइबल का लास्ट बुक जब हम देखते हैं, रेवलेशंस देखते हैं, तो उसके लास्ट वर्स में लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। तो जब हम पूरी बाइबल देखते हैं शुरू से लेके एंड तक, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी पड़ता है कि खुदा बाप आसमानी ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है, और जब वो इस दुनिया में थे उनकी क्या क्या बातें हुई हैं, और उससे पहले पुराने अकायदे में हम देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो सब बातों को जोड़कर कंक्लूजन तो यही है कि खुदावन हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि आज हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढे, वो ये है कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। क्या बात है कि हमें बाइबल का पढ़ना जरूरी है, हमें क्यों खुदावंत के सामने अपने सरों को झुकाना है। तो मैं चाहती हूं कि आप दूसरा तिमिती उसका तीसरा अध्याय और 16 आयत पे गौर करें। मैं भी आपके सामने ये आयत पढ़ना चाहती हूं। इंग्लिश में लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइटियसनेस, दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी परफेक्ट, थरली फर्निश्ड अनटू ऑल गुड वर्क्स। तो मेरी जो समझ आती है और जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब तक पहुंचाऊं, वो ये है कि बाइबल जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। बाइबल का पढ़ना आपके लिए, मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि खुदावन की धार्मिकता, खुदावन की रासबाजी हम सही तरीके से जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, और हम इस बाइबल के द्वारा खुद अपना वजूद जान सकते हैं, ताकि जो कुछ भी हम काम करते हैं खुदावन के लिए, जो भी हम खिदमत करते हैं खुदावन के लिए, जो भी हम सेवा करते हैं खुदावन के लिए, उसको हम सही तरीके से, उसका फायदा क्या है हमारे लिए और दूसरों के लिए, इसकी सच्चाई तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि बाइबल का पढ़ना बड़ा जरूरी है, और बाइबल का पढ़ना ही बस नहीं है, मगर बाइबल को समझना भी जरूरी पड़ता है। इसलिए संगति और सोबत में रहना जरूरी है, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बाइबल को टोटालिटी में समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात तो, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? अगर हम मत्ती पहला उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं, पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलाएगा। तो आज मैं पूछना चाहती हूं कि आप खुदावंद के लोग हैं? अगर आप खुदावंद के लोग हैं तो याद रखिए, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो अपने लोगों को उनके पापों से दूर कर सके। तो ये सबसे पहली बात है जिस पे हमें अमल करना है और विश्वास करना है। आज का दिन आपका बड़ा मुबारक गुजरे। जय मसीह की। शुक्रिया।